हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल सॉल्व एचटेट टीजीटी इंग्लिश हेल्ड ऑन 3rd जनवरी 2021 एंड टुडे वी शैल सॉल्व पार्ट 4 ऑफ एचटेट टीजीटी इंग्लिश दैट इज स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। English specific questions from question number 91 to 150 we shall solve today. See the directions for part 4 English. Answer the following questions by selecting the most appropriate option. Question 91. Fill in the blank with the correct option. I applied for the job in Japan, but they dashed my application because I didn't know Japanese. मैंने जापान में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया बिकॉज आई डिड नॉट नो जैपनीज, क्योंकि मुझे जैपनीज नहीं आती थी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, खारिज कर देना या ठुकरा देना का मध्यारत कर देना, तो उसके लिए हम जब सेंस देखते हैं तो टर्न डाउन सेंस निकलती है। तो आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे टर्न डाउन माई एप्लीकेशन बिकॉज आई डिड नॉट नो जैपनीज। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नाउ सेकंड वन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 92, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आपको दे रखा है यहां पर ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मीन्स बंधन। तो ये जो है बच्चों की ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है शुड। तो यहां आएगा शुड। ऑप्शन वन शुड करेक्ट है। Children should obey their parents. Now question 93. Fill in the blank with the correct preposition. यहां पर आपको जो है correct preposition जो है वो fill करना है। Thieves broke dash into my house. तो यहां पर मैंने आपको आंसर बता दिया कि broke के बाद into लगता है। यहां पर जब भी चोर घर में घुस आए तो उसके लिए जो इंग्लिश में जो phrasal verb होता है वो होता है broke into। जब भी ऐसी बात आती है कि चोर घर में घुस आए या चोर घर में दाखिल हो गए, तो उसके लिए जो इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब होता है ब्रोक इनटू। तो ब्रोक के बाद जो प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा इनटू, और ब्रोक इनटू हो जाएगा फिर आपका फ्रेजल वर्ब। तो यहां पर जो प्रेपोजिशन आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा इनटू। ऑप्शन वन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 94, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको यहां पर ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। आई डैश द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। मैंने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है लेकिन मैं उनको नहीं समझता। तो स्टूडेंट्स, पढ़ लिया है या मैं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ चुका हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स लगती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आई के साथ हो जाएगा हैव, क्योंकि आई के साथ हमेज नहीं लगाते, प्लस थर्ड फॉर्म रेड। तो हैव रेड आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन टू। तो आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। सेकंड ऑप्शन हैव रेड इज करेक्ट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 95, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको ब्लैंक को फिल करना है एप्रोप्रिएट मॉडल के साथ। He dash not enter my house again. Command. यानी यहां पर एक आदेश दिया गया है, एक कमांड है कि वह मेरे घर में फिर से प्रवेश नहीं करेगा। और थर्ड पर्सन से आपका यह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और जब भी सेकंड थर्ड पर्सन से सेंटेंस स्टार्ट हो और कमांड हो तो स्टूडेंट्स हमेशा जो है शैल का प्रयोग होता है। ये रूल है, यदि सेंटेंस आपका सेकंड थर्ड पर्सन से स्टार्ट होता है और वाक्य में ऑर्डर हो या कमांड हो
तो आपको जो है मॉडल ऑक्सिलरी शैल का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन फोर शैल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 96, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिप्थोंग इन द अंडरलाइंड वर्ड्स। जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं बॉय और कॉय में, ओ वाई ओ वाई, उसमें जो करेक्ट डिप्थोंग है वो है ऑप्शन थ्री। तो क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड साउंड्स। जो अंडरलाइंड साउंड्स हैं उसमें फोनेटिक सिंबल आपको फाइंड आउट करना है। अंडरलाइंड साउंड्स में आप देखें शिप एस एच को अंडरलाइन कर रखा है, शाइन एस एच को अंडरलाइन कर रखा है, ट्रैश एस एच को अंडरलाइन कर रखा है। तो जो फोनेटिक सिंबल हमें आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइंड साउंड का वो है ऑप्शन वन। नाउ क्वेश्चन 98, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहां मैं आपको चारों ऑप्शंस पढ़ देता हूं। फर्स्ट, जॉन इज रिजेम्बलिंग हिज ओल्डर सिस्टर। सेकंड, जॉन रिजेम्बल्स हिज ओल्डर सिस्टर। थर्ड, जॉन रिजेम्बल्स हिज सीनियर सिस्टर। फोर्थ, जॉन हैज रिजेम्बलिंग हिज सिस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमेशा शक्ल मिलने के लिए जो वर्ब यूज होता है वो होता है रिजेम्बल्स, और रिजेम्बल्स का मतलब होता है कि जॉन की जो शक्ल है वो अपनी बड़ी उसकी बड़ी बहन से मिलती है, तो ओल्डर सिस्टर होगा। तो जॉन रिजेम्बल्स इज ओल्डर सिस्टर, ऑप्शन टू इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 99, हु इज द ऑथर ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का ऑथर कौन है, वो है ईवी लुकास, ऑप्शन टू करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 100, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट रेन टेस्ट 3 डेज विदाउट स्टॉपिंग। बारिश जो है वो लगातार 3 दिन तक हुई बगैर रुके। तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है फॉर। तो सेकंड ऑप्शन जो है फॉर करेक्ट है, क्योंकि 3 डेज आ गया तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए यहां पर फॉर आएगा। इट रेन्ड फॉर 3 डेज विदाउट स्टॉपिंग। नाउ डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर्स 101 to 106, यहां पर जो है आपको एक पोएम है और उसके जो क्वेश्चंस हैं संबंधित, पोएम से संबंधित, वो नीचे दिए गए हैं, उनके आंसर आपको जो है बताने हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स, यू रीड द पोएम ऑन योर ओन। यहां पर मैं आपको पोएम के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बता देता हूं। 101, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इज द अबव मेंशन्ड पोएम। जो उपर्युक्त जो पोएम है वो किस प्रकार की सोनेट है, तो स्टूडेंट्स वो है पेट्रार्चन, ऑप्शन टू करेक्ट। नाउ 102, हु प्रोवाइड्स द म्यूजिक इन द विंटर इवनिंग। विंटर इवनिंग में म्यूजिक को कौन प्रोवाइड कराता है, वो होता है क्रिकेट, द क्रिकेट, ऑप्शन थ्री करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 103, विच सीजन डज द ग्रास हॉपर सिंबोलाइज इन द पोएम। ग्रास हॉपर इस पोएम में कौन से सीजन को सिंबोलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, तो वो है समर, ग्रीष्म का मौसम। नाउ 104, द बर्ड्स इन द पोएम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ। कविता में जो पक्षी हैं वो रेस्ट लेते हैं क्यों? वो किस कारण से, हॉट सन की वजह से, ऑप्शन फोर करेक्ट। द बर्ड्स इन द पोएम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ द हॉट सन। नाउ 105, द वर्ड फेंट इन द पोएम मीन्स। कविता में जो शब्द फेंट है उसका क्या अर्थ है, तो स्टूडेंट्स उस फेंट का अर्थ है जो शक्ति है उसका अभाव, दैट मीन्स लैकिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नाउ 106, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज। हुज वॉइस इज दिस, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज। एक वॉइस जो है वो हेज टू हेज रन करेगी, तो ये आवाज किसकी है, तो ये आवाज है ग्रास हॉपर की, द ग्रास हॉपर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन इज राइट। नाउ क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेथार्जिक।
निम्नलिखित में से कौन सा सिनोनिम का जो है लेथार्जिक का सिनोनिम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड लेथार्जिक का जो है सिनोनिम नहीं है? हियर वी कैन सी द ऑप्शंस, नंबर वन स्लगिश, नंबर टू लेजी, नंबर थ्री एजाइल, नंबर फोर टॉर्पिड। तो स्टूडेंट्स यहां पर स्लगिश, दिस इज सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक, लेजी दिस वन इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक, एंड टॉर्पिड दिस वन इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। तो स्टूडेंट स्लगिश, लेजी और टॉर्पिड दीज आर सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक। हमें बताना है कि वो वर्ड जो लेथार्जिक का सिनोनिम नहीं है, यानी उसका अपोजिट है, एंटोनिम है, वो है एजाइल। एजाइल का मतलब सतर्क, चुस्त। ऑप्शन थ्री करेक्ट। नाउ 108, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। चीयर्स, मार्च और चेयर। तो सी एच चीयर्स में, मार्च में भी सी एच और चेयर में भी सी एच, इनको जो है अंडरलाइन किया गया है। इनके फोनेटिक सिंबल को आइडेंटिफाई करना है, वो है ऑप्शन वन में। तो ऑप्शन वन करेक्ट है। नाउ 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। निम्नलिखित में से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है? फर्स्ट फ्लीट, ये कलेक्टिव नाउन है। सेकंड क्राउड, ये भी कलेक्टिव नाउन है। थर्ड फैमिली, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ जजमेंट, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टूडेंट्स जजमेंट आपका फिर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, जजमेंट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। नाउ 110, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे पेंटेड द डोर ग्रीन, उन्होंने दरवाजे को ग्रीन पेंट कर दिया। तो दे आपका सब्जेक्ट है, पेंटेड आपका वर्ब है, द डोर आपका ऑब्जेक्ट है, और ग्रीन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी ऑप्शन टू में मिलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। नाउ 111, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी कैट जो है वो किस चीज के साथ खेल रही थी? वो इट डॉल के साथ खेल रही थी, ऐसा पैट्रिक ने सोचा। ऑप्शन वन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 112, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। वर्ब को जो है करेक्ट फॉर्म में पुट करना है। रियान इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, रियान जो है वो भाषाओं में बहुत निपुण है। ही टेस फोर लैंग्वेजेस वेरी वेल, वो चार भाषाएं अच्छी तरह से बोलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएएस लगता है। तो यहां पर आपका जो है ही से स्टार्ट हो रहा है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस लगेगी, तो स्पीक्स हो जाएगा। ऑप्शन टू आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 113, डैश डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको यहां पर करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करना है। डैश डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। क्लीनिंग करने के अतिरिक्त या अलावा मैं अपनी माँ की हेल्प कुकिंग में भी करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। तो स्टूडेंट्स के अतिरिक्त और के अलावा, यानी इन एडिशन टू की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिसाइड्स आएगा। इसलिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, यानी क्लीनिंग के अतिरिक्त मैं अपनी मदर की हेल्प कुकिंग में भी करता हूँ या करती हूँ। तो स्टूडेंट्स बिसाइड्स डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। नाउ 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ट इनकरेक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ट है? फर्स्ट एनवायरमेंट, स्पेलिंग इज ओके। सेकंड साइकोलॉजी, दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो ओके। क्यूरिकुलम, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग। द स्पेलिंग ऑफ क्यूरिकुलम इज सी यू डबल आर आई सी यू एल यू एम, हियर इट इज गिवन डबल एल,
double L will not come, single L will come, and the fourth one education, the spelling is correct. 1, 2 and 4 are spelled correctly. Third one, curriculum, is not spelled correctly. It's spelled incorrectly. Now 115, transform the following into a negative sentence. He is greater than me. वह मेरे से greater है. अब इसको हम negative sentence में करेंगे तो हम ये कहेंगे I am not so great as him. मैं उसके जितना great नहीं हूँ. तो मैं उसके जितना great नहीं हूँ. I am not so great as him. Option 1 correct हो जाएगा. Now question 116. Identify the figure of speech in the following lines. निम्नलिखित lines में figure of speech को फाइंड आउट करिए या आइडेंटिफाई कीजिए. द फेयर ब्रिज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फुरर फॉलोड फ्री. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, आपकी ये पोएम है यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसमें मैरिनर ने जो है एल्बेट्रॉस को किल कर दिया था, जिसकी वजह से उनको जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, उन पोएम से ये लाइनें हैं. तो आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट एलिट्रेशन, सेकंड सिमली, थर्ड मेटाफर और फोर्थ पन. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी एलिट्रेशन है. ब्रिज ब्लू, बीपी से दोनों आपके वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, बी लेटर से. इसी तरह से आगे फोम फ्लू, ये भी दोनों आपके जो वर्ड्स हैं ये एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसी से पता लग जाता है कि जब दो वर्ड्स एक ही लेटर से बिगिन हो लगातार, तो आप समझ सकते हैं कि वो एलिट्रेशन होता है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 117, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. आई हैव डैश अ लिटिल मनी फॉर रेनी डेज. मैंने थोड़े से पैसे रेनी डेज के लिए बचा कर रख रखे हैं. यहाँ पर रेनी डेज का मतलब कोई वर्षा के दिन नहीं है, बारिश के दिन नहीं है. यहाँ पर रेनी डेज का मतलब है बुरे दिनों के लिए. तो इंसान सेविंग करते हैं भाई, कभी जरूरत पड़ जाए पैसों की तो उसके लिए पैसे जो है सेव करने पड़ते हैं, अलग से रखने पड़ते हैं. तो उसको कहते हैं पुट असाइड. आई हैव पुट असाइड अ लिटिल मनी फॉर रेनी डेज. ऑप्शन 3 करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली. निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है. तो स्टूडेंट्स, आपने ये तो देख ही लिया होगा कि चारों में जो वर्ड है वो है सक्सेशन. ये क्लियर हो गया आपको, लेकिन इसके लिए आपको सक्सेशन की स्पेलिंग आनी चाहिए. अगर आपको सक्सेशन की करेक्ट स्पेलिंग पता है तो उसी समय आपका टिक हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, सक्सेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है S U double C E double S I O N, that we can see in option 3. तो succession की जो correct spelling है वो है option 3. Now question 119, messengers were sent everywhere in the kingdom by the king in the story. 3 questions. कहानी 3 questions में राजा के द्वारा संदेश वाहकों को साम्राज्य में हर जगह भेज दिया गया था. अब पूछा गया है कि क्यों भेजा गया था, तो वो भेजा गया था टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. उस व्यक्ति के लिए पुरस्कार को अनाउंस करने के लिए जो कि क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था उन तीनों प्रश्नों के. तो स्टूडेंट्स, To announce a reward for those who could answer the questions is the correct answer. Now question 120. Identify the part of speech of the underlined word. जो underlined word है उसके part of speech को जो है identify करना है. He takes after his grandfather. He takes after his grandfather में after को underline किया हुआ है, after part of speech है. आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप्स के होते हैं, और यहाँ पर हमें ऑप्शंस में जो है 4 पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से 8 में से देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 4 हियर आर गिवन.
and we have to find out which part of speech here is in the underlined word. तो after जो है students वो आपका preposition है, तो first option आपका correct हो जाता है. Now 121, identify the underlined phrase in the sentence below. Underlined जो phrase है sentence में जो दिया हुआ है उसको identify करना है कि वो कौन से type का phrase है. Number 1 noun phrase है वो, Number 2 adverb phrase है, Number 3 adjective phrase है, Number 4 prepositional phrase है. इन चारों में से कौन सा है? तो students, he answered in a very rude manner. उसने जवाब दिया, how की सेंस आ रही है, कैसे दिया, rude manner में दिया, तो इसी से पता लग जाता है, rude का मतलब क्रूर तरीके से दिया, तो adverb phrase हो गया ये, option 2 correct. Now question 122. How does camel survive in a desert without drinking water? एक जो camel है, वो desert में कैसे survive कर सकते हैं बगैर पानी पिए? तो correct answer है, from desert plants. Option 2, correct. Now 123. Who is a rebel? रेबल कौन होता है? अ पर्सन हु रेसिस्ट एन एस्टेब्लिश अथॉरिटी. एक व्यक्ति जो किसी एस्टेब्लिश अथॉरिटी को रेसिस्ट करे, उसका विरोध करे, ही इज कॉल्ड अ रेबल. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 124, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन. आपको जो है ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट कंजंक्शन के साथ में. द गर्ल्स डांस डैश द बॉयज प्लेड. लड़कियों ने डांस किया जबकि लड़कों ने खेल खेला. तो बोथ द एक्शंस टुक प्लेस साइमल्टेनियसली. तो इसके लिए जो कंजंक्शन यूज होगा वो होगा वाइल. वाइल का मतलब जबकि या के दौरान. तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है. नाउ 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड इन प्लूरल. निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्लूरल में इनकरेक्टली फॉर्म्ड है? फर्स्ट थीव्स बिल्कुल सही प्लूरल है, सेकंड कार्गोज ये भी बिल्कुल सही प्लूरल है, थर्ड मैचेस ये भी बिल्कुल सही प्लूरल है, फोर्थ काफ्स ये जो है इनकरेक्टली फॉर्म्ड है क्योंकि प्लूरल होगा सा सी ए एल वी ई एस. तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है काफ्स. ऑप्शन 4 आपका यहां पर आंसर है. नाउ 126, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टाइटल्ड ट्रीज. कविता जो है ट्रीज जो है यहां पर जिसका टाइटल है ट्रीज पोएम का, उसका पोएट कौन है? वो है शर्ले बोर. ऑप्शन 1 करेक्ट. नाउ 127, I took out a small black tin box. The underlined phrase is. मैंने एक small black tin box को निकाला. तो small black tin box को underline किया हुआ है. ये underlined phrase क्या है? Number 1 adverb phrase. Number 2 adjective phrase. Number 3 noun phrase. Number 4 gerundial phrase. I took out what? I took out a small tin black box. तो what से पता लग जाता है कि ये जो है what से कि ये आपका नाउन की सेंस दे रहा है, तो नाउन फ्रेज हो गया ये. ऑप्शन 3 करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 128, द पोएम द स्कूल बॉय इज रिटन बाय. द पोएम द स्कूल बॉय इज रिटन बाय विलियम ब्लेक. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 129, अ फिक्सीशियस नैरेटिव इंटेंडेड टू एनफोर्स सम यूजफुल ट्रुथ यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर इज कॉल्ड. उसे कहा जाता है फेबल. ऑप्शन 1 ए फेबल इज करेक्ट. नाउ 130, हु इज बीजू कॉलिंग इन द मिस्ट इन द स्टोरी ए शॉर्ट मॉनसून डायरी. वो बुला रहा है अपनी बहन को. ऑप्शन 1 हिज सिस्टर इज करेक्ट. नाउ 131, विद हुम डिड द मैन स्ट्राइक द बार्गेन इन द एंड इन द पोएम द लास्ट बार्गेन. करेक्ट आंसर इज ए चाइल्ड. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ 132, I got up early for me. I made an effort.
For what did the writer say this? The writer said this for a long bicycle ride. Option 2 is correct. Now 133. Identify the underlined word in the sentence. जो सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है. द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग. बूढ़ा आदमी पैदल चलने से थक गया था. तो वॉकिंग है यहाँ पर, और वॉकिंग यूज कर रखा है प्रेपोजिशन ऑफ के बाद में. जब भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो आप समझ सकते हैं कि वो जीरंड होता है. यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद जीरंड का यूज हुआ है. जीरंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं. तो वॉक प्लस आईएनजी है तो ये जीरंड है. कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है. यहाँ पर आपकी सेंस आ रही है कि जो बूढ़ा आदमी है वो वॉकिंग करने से थक गया था. तो वॉकिंग यहाँ पर जीरंड है बिकॉज प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर इसका यूज हुआ है. नाउ 134. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट वर्ड के साथ. वाई डिडंट यू टर्न अप एट द पार्टी. वी वर ऑल डैश वेटिंग फॉर यू. तुम पार्टी में क्यों टर्न अप नहीं हुए, यानी क्यों नहीं आए. हम सभी आपका उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे. उत्सुकता का मतलब ईगरली. ऑप्शन 4 करेक्ट. नाउ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज. पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय है. उसका आपको एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है. फर्स्ट एनोनिमस, सेकंड फेमस, थर्ड वेल नोन, फोर वाइडली एडमायर्ड. तो पॉपुलर का मतलब फेमस भी होता है, वेल नोन भी होता है, वाइडली एडमायर्ड भी होता है. तो ये सारे सिनोनिम हो गए. एंटोनिम एक ही बचता है, एनोनिमस, इसे कोई नहीं जानता. तो ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 136. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. निम्नलिखित में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. नंबर 1 गुडनेस, नंबर 2 यूथ, नंबर 3 पॉवर्टी, नंबर 4 पार्लियामेंट. भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है. तो गुडनेस, यूथ और पॉवर्टी ये तीनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पार्लियामेंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. ऑप्शन 4 करेक्ट. क्वेश्चन 137. मिस बीम इज ए कैरेक्टर ऑफ विच स्टोरी. मिस बीम जो है वो किस कहानी की पात्र है. वो है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. ऑप्शन 3 करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 138. हु इज द स्पीकर इन द पोएम द शेड. द शेड पोएम में स्पीकर कौन है. द पोएट, कवि ही स्पीकर है. नाउ क्वेश्चन 139. चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट. आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको वो सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है. सी द ऑप्शंस. फर्स्ट, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक. सेकंड, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. थर्ड, व्हाट यू वुड यू व्हाट लाइक टू ड्रिंक. फोर्थ, वुड यू ड्रिंक लाइक टू. तो स्टूडेंट्स, जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा व्हाट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब वुड, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर लाइक और फिर टू ड्रिंक. तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. ऑप्शन 2 सही है. नाउ क्वेश्चन 140. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल. डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हैज ग्रे हेयर. यहां पर एक पर्टिकुलर लड़के की बात की जा रही है. तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा. और वैसे भी जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है. टॉलेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है कि क्लास का जो सबसे लंबा लड़का है उसकी ग्रे हेयर हैं. तो द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हैज ग्रे हेयर. हियर डेफिनेट आर्टिकल द विल बी यूज्ड. नाउ क्वेश्चन 141. कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इन टू कंपेरेटिव सेंटेंस. जो पॉजिटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसको कंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज करें. फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज हबीब. तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको कंपैरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियन. ऑप्शन 1 करेक्ट.
Now question 142. The correct antonym of the word grow is, जो grow है, grow का मतलब बढ़ना, तो उसका antonym पूछा गया है, first long, second cut, third sober और fourth disturbance. तो grow का जो correct antonym होगा वो होगा cut. Option 2 आपका सही है. Now question 143. Match the words in column A with their meaning in column B and select the correct answers using codes given below. A और B column देखते हैं. First fierce. Now we have to find out the meaning of word fierce in column B. तो students fierce का मतलब होता है violent. तो fierce आपका जाएगा D के साथ. Darted. Darted का मीनिंग होता है moved suddenly. तो ये जाएगा आपका A के साथ. Dared. Dared का मतलब होता है brave enough to do something. कुछ करने के लिए काफी साहस होना. और cliff का मतलब होता है चट्टान. A steep high rock. तो dared आपका जाएगा B से brave enough to do something. और cliff जाएगा आपका C से a steep high rock. तो first D, सेकेंड ए, थर्ड बी और फोर्थ सी. तो डी ए बी सी ये आपका रहेगा और डी ए बी सी आपको मिल रहे हैं ऑप्शन वन में. तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन 144. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. ए फंड हैज बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज. फर्स्ट सेटअप, सेकेंड सेट असाइड, थर्ड सेट आउट और फोर्थ सेट इन. सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए फंड को जो है अलग रख दिया गया है, तो उसके लिए होगा सेट असाइड. ऑप्शन टू करेक्ट. अ फंड हैज बीन सेट असाइड फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज. नाउ 145. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट. कि मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बिस्किट्स लिए, तो उसके लिए होता है ए फ्यू. आई हैड अ फ्यू बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट. ऑप्शन वन करेक्ट. नाउ 146. द वर्ड मॉर्सल्स इन द स्टोरी द बैनियन ट्री मीन्स. द वर्ड मॉर्सल्स इन द स्टोरी द बैनियन ट्री मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ वुड. ऑप्शन वन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 147. Identify the underlined part of speech in the following sentence. निम्नलिखित सेंटेंस में जो underlined part of speech है वो identify करना है. He came before the appointed time. वो appointed time से पहले आया. अभी हमने discuss किए थे कि there are 8 part of speech. तो यहाँ पर before कौन सी part of speech है? Before है preposition. Adverb, conjunction, noun नहीं है. Preposition है before. He came before the appointed time. Before is the underlined part of speech and it is preposition. Now, question 148. Match the words in column A with their meaning in column B and select the correct answer using codes given below. Column A or column B, देखते हैं. First है आपका scrawny. Scrawny का meaning होता है thin, पतला. तो ये जाएगा आपका D के साथ. वेट इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब. तो ये जाएगा ए से. ग्लाइटेड इसका मतलब होता है मूव्ड अलोंग स्मूथली, यानी स्मूथली जो है चलना. और ये जाएगा आपका बी से. और स्नूज जो है इसका मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए जो है नींद. तो ये आपका जो बनेगा सीक्वेंस वो बनेगा डी ए बी सी. डी ए बी सी मिल रहे हैं आपको ऑप्शन वन में. तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 149. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर. ब्लैंक को जो है करेक्ट डिटरमिनर से फिल करें. हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर. वो कौन सी लड़की है जो वहां बैठी हुई है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल. जब भी पर्टिकुलर की बात की जाती है तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं कि वो कौन लड़की है जो वहां बैठी हुई है.
दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल, तो पर्टिकुलर के लिए डेफिनेट आर्टिकल द होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो करेक्ट डिटरमिनर की बात की जा रही है, क्योंकि आर्टिकल भी जो है वो डिटरमिनर के अंदर ही आते हैं। तो हु इज द गर्ल सिटिंग देयर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 150, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। स्नेक्स और रोडेंट्स कहाँ पर आश्रय लेते हैं कहानी इस शॉर्ट मॉनसून डायरी में? तो वो आश्रय लेते हैं रूफ्स में और एटिक्स में। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इन रूफ्स एंड एटिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने HTET TGT इंग्लिश एग्जाम जो 3 जनवरी 2021 में हुआ था उसके हमने इंग्लिश के स्पेसिफिक 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए आने वाले HTET TGT इंग्लिश एग्जाम जो 19 दिसंबर को होगा उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।